ये है मिसाइल चौक। आज मैंने ये जो है एक ही बोल्ड माउस किया साफ पास। अभी जो है फाइन लगेगा इस पे। अच्छा लाइट नहीं है तो जगह जगह जनरेटर लगे हुए हैं। ये जाना हमें ज्यादा से ज्यादा चाहिए कि दरख्त लगाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। आज जो है मैं अभी मुरादाबाद में और मैंने जो है घर से निकलते वक्त जो है यहाँ पर वीडियो नहीं बनाई क्योंकि साथ में भाई थे तो हम लोगों ने यहाँ पर आना था, थोड़ा सा काम भी था। तो आज जो है वीडियो काफ़ी स्पेशल खूबसूरत होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज खूबसूरत वीडियो। जो चैनल पर नए हैं वो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल के आइकन को दबा दें। तो चलिए जी आज शुरू करते हैं आज की खूबसूरत वीडियो। A few hours later। तो ये है मिसाइल चौक और मैं अभी इस शॉप जो है तो मैंने ये जो है ये कीबोर्ड माउस किया है 2400 के लिए है। 2400 का मुझे मिला है भाई साहब, कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ बरल अभी चलते हैं आगे। चलें जी कोई जूस वूस थे, अभी भाई लोग हैं अंदर चले गए, अभी कोई जूस वगैरह देखते हैं, जूस पीते हैं शाबाश पीते हैं, उसके बाद जो है आगे जाने इंशाल्लाह। तो ये सर फाइनली जो है ये मेरा भांजा है और हम लोग यहाँ आए हैं, जूस इन्होंने जो है ऑर्डर किया है और इसमें जो है सबसे पहले जो है हम लोग अहमदाबाद आते हैं, हमें किस चीज़ का पता नहीं है यहाँ पे भी क्या चीज़ किसे खाना है, क्या चीज़ किस तरह मंगवाना है। तो ये मेरे भाई बैठे हैं सामने और ये देखें जी इसमें बहुत ज़्यादा बर्फ़ डाल के ये ले आए। मैंने पहले कहा था कि इस कोशिश करें कि बर्फ़ ना हो, पर हम लोग जो है पहाड़ में रहने वाले लोग हमें तो यहाँ पर बातें करनी तरीके नहीं आता है कि यहाँ पर किससे कैसे बात करनी है। तो बहरहाल अभी जो है फाइन लगेगा इस पर। अच्छा हमको सिखा रहा है और आप कमेंट में बताएं कि इस पर क्या फाइन होना चाहिए। तो ये है हमारा अहमदाबाद में मिसाइल चौक और मिसाइल चौक में यहाँ पे आज लाइट नहीं है तो जगह जगह जनरेटर लगे हुए हैं और जनरेटर की वजह से समस्या ये है कि यहाँ पे अभी हम बात नहीं कर सकते क्योंकि अगर जनरेटर लगे होते अब यहाँ पर ये लगा हुआ है तो समस्या ये है कि यहाँ पर हम लोग फिर बात नहीं कर सकते तो प्रॉब्लम होती है हमारे लिए। तो अभी जो है सामने हमारी गाड़ी खड़ी है तो गाड़ी के पास चलते हैं और अभी जाना है जी भाई के घर में, वहाँ पे थोड़ा रेस्ट करेंगे। आज भी बस हम लोगों ने जो है आम यहाँ से ले लिए और ये आप देख सकते हैं यहाँ से हमने हम लोगों ने आम लिए, ये भाई हैं ये वाले। और अभी कितने पैसे पड़े हैं? पैसे कितने हो गए? कितने हो गए? 630। ठीक है भैया मेहरबानी, अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूअर्स वेलकम बैक, अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर एबटाबाद में, हम लोग अभी नीचे अपने भाई के घर में थे और अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं ऊपर। बहुत बड़ी हाइकिंग है ये, आप देख सकते हैं ये यहाँ से ऊपर हम लोग ने अभी चढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, भाई साहब पीछे पीछे आ रहे हैं, ओए चढ़ना वैसे है यहाँ से ऊपर काफ़ी मुश्किल है लेकिन चढ़ गए से। तो ये आप देख सकते हैं भाई साहब जो है वो सामने, ये जी ये रास्ते यहाँ से हम लोगों ने ऊपर जाना है और ये जाएंगे हम लोग ये इस जगह में, ठीक है, और वहाँ से हम लोगों को तकरीबन एबटाबाद जो है वो सारा नज़र आएगा और वहाँ से इंशाल्लाह हम आपको पूरे का पूरा एबटाबाद दिखाएंगे। तो ये वो नीचे से हम लोग ये सामने आप देख सकते हैं यहाँ से हम लोग चढ़ के यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अभी जो है ऑलमोस्ट आपको एक चीज़ बतानी थी कि ये जो जगह है ये वाली
देखें यहाँ पे एक्सीवेटर मशीन लगाई, काम करा इन्होंने, और यहाँ से जो दरख्त थे वो हट गए, वजह से यहाँ पर लैंड स्लाइडिंग होना शुरू हो गई। अब उसके मुकाबले में ये जगह है ये सारी, अब इसके ऊपर छाँव भी है और ज़मीन जो है वो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन यहाँ पर दरख्तों ने छाँव भी की हुई है और डायरेक्टली आसमान से जो पानी आता है, जो बारिश आती है, वो आकर ज़मीन पर नहीं लगता, तो उस वजह से जो है ज़मीन का कटाव नहीं होता और स्लाइडिंग से ज़मीन बच जाती है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए कि दरख्त लगाएं, और दरख्त लगाने से हमें ये फ़ायदा होगा कि हमारी ज़मीन जो है वो कटाव से बचेगी। फाइनली हम लोग यहाँ तो पहुँच चुके हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम ये हो गई कि यहाँ से हमें अब्टबाद नज़र नहीं आ रहा, और यहाँ से जो है कुछ आधा आधा अब्टबाद नज़र आ रहा है, आधा आधा नहीं नज़र आ रहा। चलिए आधा आधा आपको दिखा देंगे। ये इस तरफ से आपको मैं बता दूँ कि ये मानसेरा वाली साइड है और ये सारा अब्टबाद है। ये कम्प्लेक्स वाली साइड है, कम्प्लेक्स यू मेडिकल कॉम्प्लेक्स यहाँ पर कहीं पर है, अभी यहाँ से पता नहीं चल रहा। और ये सारा के सारा जो है ये मानसेरा वाली साइड, और ये अभी यहाँ पे दरख्त हैं, कुछ नज़र नहीं आ रहा। इस तरफ जो है ना ये दरमियान में जो दरख्त हैं, ये सारा पीएमए काकुल का एरिया है। यहाँ से आगे वो सामने आगे तक ये सारा पीएमए काकुल का एरिया है, बाकी ये दरमियान में जो जितनी भी आबादी है ये जो है सारी अब्टाबाद में है, और जो आगे आबादी है वो भी सारी अब्टाबाद का एरिया है। इतने गुस्से नहीं होनी है, नहीं नहीं वो तो सिर्फ अप्रैल मार्च अप्रैल ये सामना महीना चढ़ गया इसे बिल्कुल नहीं। ओए हाय माशाल्लाह यार, अब्टबाद में भी है नज़ारे हैं, किसी कोई ढूंढे तो मिल जाते हैं। अभी हम लोग पहाड़ी इलाके में लोग हैं, तो हम लोग ढूंढते हैं कि भाई कहीं पे हमें पहाड़ी मिल जाए। खैर जो भी है, आपको मैं एक चीज़ और दिखाता जाऊँ व्यूअर्स, अच्छा जी ये तो नीचे लोगों का घर है, अभी घर की वीडियो हम लोग नहीं बना सकते, ठीक है, ये मुनासिब भी नहीं है। बहरहाल ये मैं आपको बताता जाऊँ कि ये जो सामने आपको पहाड़ी नज़र आ रही है ये है शिमला पहाड़ी। अब यहाँ से पता नहीं चल रहा, लेकिन ये शिमला पहाड़ी है, और ये सारे का सारा अब्टाबाद जितना भी है वो आपके सामने चलते हैं, वहाँ से आपको क्लियर नज़र आएगा। हाँ जी, तो हम लोग अभी पहुँच चुके हैं अब्टाबाद, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको कम्प्लीटली पूरा अब्टाबाद नज़र आएगा, ठीक है। और आप ये देखें जी, ये आपको पूरा अब्टाबाद नज़र आएगा यहाँ से। थोड़ा सा मैं यहाँ से आपको दिखा दूँ, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह जी क्या नज़ारे हैं, ये देखें जी क्या नज़ारे हैं, वाह 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 क्या बात है अब्टाबाद की। यहाँ से देखें जी, ये सामने शिमला पहाड़ी, नीचे लोगों के घर हैं। अभी हम लोग इतनी वीडियो नहीं बनाएंगे जो अखलाक से बालातर हो, लेकिन ये देखें जी पूरा अब्टाबाद आपके सामने। शिमला पहाड़ी में हम लोग जब गए थे तो वहाँ से अब्टाबाद पूरा नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ से पूरा अब्टाबाद आपको नज़र आएगा। अभी जो है हम लोग अब्टाबाद में हैं, अभी इंशाल्लाह जो है वापसी करनी है। बहरहाल जो भी है वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन इस व्लॉग को मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ,
उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं आपको एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए वसीम शाह को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।